नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर। मित्रों, आज हम आपके लिए लाए हैं भारतीय काव्य शास्त्र का एक अन्य प्रकरण काव्य गुण, जो कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के पाठ्यक्रम की तीसरी इकाई साहित्य शास्त्र में सम्मिलित है तथा साथ ही साथ RPSC तथा अन्य राज्यों की लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा हेतु भी समान रूप से उपयोगी है। तो आइए मित्रों, चलते हैं आज के विवेच्य विषय काव्य गुण की ओर। मित्रों, रस को काव्य की आत्मा माना गया है और रस के उत्कर्ष में सहायक तत्वों को काव्य गुण कहा जाता है। जिस प्रकार आत्मा के शूरता, कायरता आदि धर्म या गुण होते हैं, उसी प्रकार रस के धर्म गुण कहे जाते हैं। ये काव्य के नित्य धर्म होकर रस का उत्कर्ष बढ़ाते हैं। ये रसस्यांग गिनो धर्मा शौर्यादय इवात्मन उत्कर्ष हेतु वस्ते शुर चलस्थितियो गुणा, आचार्य मम्मट ने कहा है और आचार्य विश्वनाथ ने कहा है। रसस्यांगित्वमाप्तस्य धर्मः शौर्यादयो यथा गुणः माधुर्य मोजो अथ प्रसाद इति ते त्रिधा, अर्थात शौर्यादि की तरह रस के उत्कर्ष हेतु स्थाई धर्मों को, रस के उत्कर्ष हेतु रूप स्थाई धर्मों को गुण कहते हैं। मित्रों, अलंकार भी उत्कर्ष के हेतु है किन्तु वे अस्थाई है। मित्रों, इनके प्रयोग से काव्य की सरसता में वृद्धि होती है तथा गुणों का अभाव काव्य में दोष उत्पन्न करता है। गुणहीन काव्य अधम कोटि का काव्य माना गया है। आचार्य वामन के अनुसार विशेष प्रकार की पद रचना को रीति कहते हैं। यह रीति गुणों पर आश्रित होती है। आचार्य विश्वनाथ पदों के संयोजन या संगठन को रीति कहते हैं। यह रसों का उपकार करने वाली होती है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि दोषों का अभाव रस के आश्रित रहने वाले काव्य के कारक धर्म तथा रस के उत्कर्ष के कारणों को काव्य गुण कहते हैं। सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 निर्धारित की। श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सौकुमार्य, अर्थशक्ति, उदारता तथा कांति। आचार्य दंडी भी इन्हीं 10 गुणों को काव्य के गुण मानते हैं, किंतु आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में सभी गुणों का समाहार 3 गुणों में किया है, ओज, प्रसाद और माधुर्य। मम्मट ने इन गुणों को त्रिगुणात्मक धर्म कहा है। आइए सर्वप्रथम चलते हैं माधुर्य गुण की ओर। मित्रों, जिस काव्य रचना के पढ़ने या सुनने से पाठक या श्रोता का चित्त द्रवित हो उठता है, वहां माधुर्य गुण होता है, अर्थात अंतःकरण को आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल मधुर वर्णों से युक्त रचना में माधुर्य गुण होता है। माधुर्य शब्द का अर्थ है शहद जैसा मीठा। मित्रों, श्रृंगार तथा करुण रस के प्रसंगों में सहृदय सामाजिक का मन द्रवीभूत हो उठता है। भिखारी दास ने इसका लक्षण इस प्रकार बताया है, अनुस्वार ओ वर्गजुत सवे वरन अट वर्ग अक्षर जामे मृदु परे सौ माधुर्य निसर्ग। जहां ट वर्ग को छोड़कर अन्य वर्गों द्वारा अनुनासिक वर्णों से युक्त और अनुस्वार वाले वर्णों की प्रचुरता से रेफ और लंबे लंबे सामासिक पदों से विहीन लघु समासों द्वारा मधुर रचना की जाती है, वहां माधुर्य गुण होता है। इस गुण का संबंध चित्त की द्रुति अथवा चंदन अर्थात पिघलना वृत्ति से है, जिसके द्वारा पाठक, श्रावक या प्रेक्षक का हृदय द्रवीभूत हो जाता है। मित्रों, इस गुण का प्रयोग अधिकांशतः श्रृंगार, करुण और शांत रसों में होता है। हास्य और अद्भुत रसों में केवल इसका आभास मात्र पाया जाता है। वामन के अनुसार इसमें वैदर्भी रीति और आचार्य मम्मट के अनुसार उपनागरिका वृत्ति होती है। उदाहरण के लिए, धर्म धुरीन धीर नय नागर सत्य स्नेह शील सुख सागर। एक और उदाहरण देखते हैं, पुनिनाचत रंग उमंग भरी तुम भक्ति विषय पग एम धरी जननम 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 सुरलेत तहां तननम तननम। एक और उदाहरण देखते हैं, काहू घर पुत्र जायो काहू के वियोग आयो काहू राग रंग काहू रोवा रोई करी है जहां भानु उगत उछाह गीत गान देखे सांझ समिता ही फिर हाय हाय परी है ऐसी जग रीति कौन देख भयभीत होत हाहा नर मूद तेरी मति कौन हरी है मानुष जन्म पाए सोवत बिहाय जाए खोवत करोरन की एक एक धरी है खोवत करोरन की एक एक धरी है। तो प्रयुक्त उदाहरणों और वर्णन से माधुर्य गुण की निम्न विशेषताएं सामने आती हैं, अनुस्वार वर्णों वाला, कोमल वर्णों से युक्त, ट वर्ण से रहित तथा सामान्यतः महाप्राण ध्वनियां पद में कम होती हैं,
टैठ डैठ ण अर्थात ट वर्ग को छोड़कर कैसे भ तक के वर्णों से युक्त होता है। अनुनासिक वर्णों की अधिकता पाई जाती है, अल्प समास या समास का अभाव पाया जाता है और कोमल कांत पदावली से युक्त श्रुति मधुर शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। आइए अगले गुण की ओर बढ़ते हैं जो कि है ओज गुण। मित्रों, ओज शब्द का अर्थ है तेज, प्रकाश अथवा दीप्ति, जो रचना सुनने वाले के मन में उत्साह, वीरता, आवेश आदि जागृत करने की क्षमता रखती है, उसे ओज गुण युक्त कहा जाता है। भरत मुनि ने समास युक्त पदों वाली गंभीर अर्थ युक्त श्रवण सुखद पदावली को ओज गुण के उपयुक्त बताया है। दंडी ने समास युक्त पदों की बहुलता से पूर्ण रचना को ओज गुण संयुक्त माना है। आचार्य वामन की मान्यता में संयुक्त अक्षरों व संश्लिष्ट पदों का संयोग आवश्यक है। मम्मट ने वीर रस, विभत्स रस और रौद्र रस में ओज गुण को उत्तरोत्तर अधिक माना है। विश्वनाथ के अनुसार ओज गुण युक्त रचना में महाप्राण वर्ण होते हैं और संयुक्त अक्षरों का प्रयोग होता है, अर्थात जहाँ द्वित्व वर्णों ग, क, च संयुक्त वर्णों रेफ व अर्धरकार युक्त वर्णों के साथ ट वर्ग की प्रचुरता से रचना की जाती है, वहाँ ओज गुण होता है। इसका संबंध चित्त की दीप्ति अर्थात उत्तेजना वृत्ति से है, जिसे श्रवण करने या पठन करने से श्रावक व पाठक के हृदय में उत्तेजना का आविर्भाव होता है। मित्रों, इस गुण का प्रयोग अधिकतः वीर, रौद्र और भयानक रसों में होता है। विभत्स रस में भी कभी कभी इस गुण का आभास पाया जाता है। वामन के मतानुसार ओज प्रधान रचना में गौड़ी रीति व आचार्य मम्मट के मत से परुषा वृत्ति होती है। उदाहरण के लिए रण सुभट्ट बे भुट्टलो गही असिकट्टत मुंड उठी कबंद जुट्टत कहूं कहूं लुट्टत रिपुरुंड। एक और उदाहरण देखें, जगी ज्योति जहे जूझ की खगी खंग खुली झूम रगी रुधिर सो धूरी सो धन्य धन्य रण भूमि। एक और उदाहरण देखते हैं, गिर गिर कर भू पर रुंड उठे कर अट्टहास अरि मुंड उठे कोलाहल घोर प्रचंड उठे रणनाथ पिशाची मुंड उठे। एक और उदाहरण देखें, हय रुंड गिरे गज झुंड गिरे कटकट अवनी पर शुंड गिरे भू पर हय विकल वितुंड गिरे लड़ते लड़ते अधि झुंड गिरे। तो मित्रों, इस प्रकार हमने देखा कि जिस काव्य रचना को सुनने या पढ़ने में चित्त का विस्तार हो और मन में तेज उत्पन्न हो, वहां ओज गुण अभिव्यंजित होता है। इससे चित्त में दीप्ति व आवेग उत्पन्न होते हैं। द्वित्व वर्णों, संयुक्त वर्णों, रेफ, पुरुष वर्णों, लंबे लंबे समासों का, मूर्धन्य ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग गौड़ प्रदेश के कवि किया करते थे। युद्ध वर्णन, वीरों के स्वभाव, वेशभूषा, प्रकृति के विराट दृश्यों की उद्भावना के लिए ओज गुण का प्रयोग किया जाता है। आइए मित्रों, चलते हैं प्रसाद गुण की ओर। मित्रों, प्रसाद का शाब्दिक अर्थ होता है प्रसन्नता। जिस रचना में सुबोधता, स्वच्छता हो अर्थात अर्थ सुनते ही समझ में आ जाए, ऐसी रचना प्रसाद के गुण से युक्त मानी जाती है। अर्थात जहाँ सरल सुबोध भाषा में कर्णकटु शब्दों और दीर्घ समासों का परिहार कर काव्य की रचना की जाती है, वहाँ प्रसाद गुण होता है। इस गुण का संबंध चित्त की विकास अर्थात चित्त को प्रसन्न करने वाली वृत्ति से है। इसमें वामन के मतानुसार पांचाली रीति व आचार्य मम्मट के अनुसार कोमला वृत्ति होती है। शुष्केन्धनाग्निवत स्वच्छ जलवत सहसैव यः व्याप्नोत्यत् प्रसादोऽसौ सर्वत्र विहित स्थितिः। अर्थात शुष्क ईंधन में अग्नि के प्रकाश व स्वच्छ कपड़े में जल की आभा की तरह है। प्रसाद गुण द्वारा चित्त में एक साथ अर्थ का प्रकाश हो जाता है। अर्थात प्रसाद गुण वही होता है जहाँ रचना अत्यंत सरल और सुबोध भाषा में होती है। इसका संबंध अग्नि अर्थात ओज गुण और जल अर्थात माधुर्य दोनों से है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रसाद गुण का प्रयोग नमो रसों में बेरोक टोक होता है। यह सुविधा ओज और माधुर्य को नहीं है, अतः प्रसाद को हम गुणपति अथवा गुणराज कह सकते हैं। उदाहरण देखें, प्रभु मोहिए आप सदा बसिए जब लो वसु कर्म नहीं नसिए तब लो तुम ध्यान ये वर्तो तब लो श्रुत चिंतन चित्तरतो। एक और देखें, अच्युत चरण तरंगिणी शिव सिर मालति माल हरिन बनाओ सुरसरी कीजे इंदव भाल। एक और उदाहरण देखें, ग्रीष्म की ऋतु माही जल थल सुख जाए परत प्रचंड धूप आगी सी परत है दावा किसी ज्वाला माल
बहत बयारियती लागत लपट को धीर न धरत है। धरती तपत मानो तवज तपाए राखी बड़वा अनल सम शैल जो जरत है। ताके शंग शिला पर जोर जुग पांव धार करत तपस्या मुनि करम हरत है। एक और उदाहरण देखें, ग्रीष्म में धूप जरे तामे भूमि सारी जरे फूलत है आक पुनि अति ही उमही के। वर्षा ऋतु मेघ झरे तामे वृक्ष कोई फरे जरत जवासा अघ आपु ही ते दही के। ऋतु को न दोष को पुण्य पाप फल दो जैसे जैसे किए पूर्व तैसे रही सही के। कोई जीव सुखी होई कोई जीव दुखी होई देखहु तमासो भैया न्यारे ने कुरही के। देखहु तमासो भैया न्यारे ने कुरही के। तो मित्रों आचार्य दंडी के मतानुसार प्रसाद गुण वहाँ होता है जहाँ सुनते ही शब्द का अर्थ समझ में आ जाए। प्रसाद गुण में सरल सहज भाव व्यंजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अर्थ की सुबोधता या सुस्पष्टता इसकी विशेषता है। प्रसाद गुण सभी रसों में विद्यमान रहता है। भिखारी दास ने इसका लक्षण निम्नानुसार बताया है, मन रोचक अक्षर परे सो है शिथिल शरीर गुण प्रसाद जल सूक्ति ज्यों प्रगटे अर्थ गंभीर। तो मित्रों ये थे काव्य गुण। आइए इन काव्य गुणों से संबंधित परीक्षोपयोगी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। मित्रों आचार्य मम्मट ने गुणों को त्रिगुणात्मक धर्म कहा और इन्होंने तीन गुणों की चर्चा की, ओज माधुर्य और प्रसाद। आचार्य भामह ने भी गुणों की संख्या को तीन ही माना, ओज माधुर्य और प्रसाद। परंतु आचार्य भामह ने प्रसाद और माधुर्य गुण की प्रशंसा करते हुए ओज गुण को उपेक्षा की दृष्टि से देखा। आचार्य पंडित राज जगन्नाथ ने गुणों को काव्याश्रित धर्म माना। पंडित आनंद वर्धन ने गुणों को रस का धर्म माना। आचार्य दंडी ने आचार्य भरत मुनि और आचार्य वामन की तरह गुणों की संख्या 10 ही बताई, किंतु उन्होंने शब्द के 10 गुण और अर्थ के 10 गुणों के रूप में कुल 20 भेदों की चर्चा की। मित्रों जो शब्द गुण हैं उन्हीं की चर्चा अर्थ गुणों के रूप में की गई, लेकिन उनकी व्याख्या में भेद है। फिर आचार्य भोजराज ने गुणों की संख्या सर्वाधिक 48 बताई। तो मित्रों सर्वाधिक गुणों की संख्या का अगर पूछा जाए किसने बताई, तो भोजराज ने बताई, और कितनी, 48। उन्होंने माना कि शब्द गुण बाह्य जबकि अर्थ गुण आंतरिक हैं। माधुर्य गुण द्रुति उत्पन्न करता है जिसका अर्थ है द्रवित होना। ओज गुण दीप्ति उत्पन्न करता है जिसका अर्थ जोश अथवा उत्साह उत्पन्न करना है। और प्रसाद गुण व्याप्ति उत्पन्न करता है जिसका अर्थ व्याप्त होना अथवा प्रसारित होना है। माधुर्य गुण को ओज गुण का विपरीत माना गया है। माधुर्य गुण में मूर्धन्य ध्वनियों संयुक्ताक्षरों का प्रयोग वर्जित माना गया है। यहाँ पद के अंत में संयुक्ताक्षरों के रूप में नासिक ध्वनियों का प्रयोग देखा गया, जैसे कंगना, तंग, चंगा आदि। यहाँ क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग और प वर्ग की ध्वनियों का व्यापक प्रयोग देखा गया। ओज गुण में संयुक्ताक्षरों व मूर्धन्य ध्वनियों का ही अधिक प्रयोग देखा गया। विशेषकर क वर्ग से प वर्ग तक की पहली और दूसरी ध्वनि यहाँ संयुक्ताक्षर के रूप में देखी गई, जैसे कच्छ, मच्छ, पट्ठा आदि। और प्रसाद गुण को अर्थ विस्तार की दृष्टि से सर्वाधिक सहज मानते हुए इसकी उपमा सूखी लकड़ी और सूखा कपड़ा के रूप में की गई। तो मित्रों यह था प्रकरण काव्य गुण। आशा है आपको यह वीडियो व्याख्यान पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। मित्रों यदि अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करें और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।